लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को डायल 100 के जरिए एक धमकी मिली है। 19 दिसंबर की रात को डायल 100 पर एक कॉल आया, जिसने कॉलर ने अपना नाम हालांकि नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि वो लखनऊ से कॉल कर रहा है। एक पारिवारिक विवाद का भी उसने जिक्र किया और उसके बाद उसने लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नर के आवास की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। साथ ही डीसीपी साउथ को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। जो कॉलर जिसने फोन किया है, उस सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन खंगालने की कोशिश हो जा रही है। हालांकि इतना पता चला है कि वो लखनऊ से कॉल नहीं कर रहा था। कई टीमें इसकी जांच में लगा दी गई हैं। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले मुख्यमंत्री को कई बार डायल 100 के जरिए जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है और हर बार एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने अपनी जो सर्विलांस के जरिए उनको धर दबोचा है। इस मामले में भी टीम अभी जांच कर रही है, लेकिन एहतियाती तौर पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगभग एक साल हो गया लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को लागू है और यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो नतीजे बहुत अच्छे आए हैं पुराने सिस्टम के अपेक्षा। तो ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट अपना काम ढंग से कर ही रही है और अब लखनऊ पुलिस कमिश्नर की धमकी मामले में भी डीसीपी साउथ जांच कर रहे हैं और कई टीम इसकी पड़ताल में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।